يدنا ومن أجمعين إلا إبارة من ربنا المخلصين صلى الله عليه وسلم العظيم بركة باسة جزدك وقرد وصلاة فقط سینے کے نالین کا
बड़े पीर अपने आस्थानियां से चुप करके बैठ जाते हैं, तो बड़े बड़े मौलवी मदरसियां के दरवाजे बंद करते हैं, पर कितने खतरे नबूवत का नारा लगाया तो तावन बंद ना हो जाए, कितने पाबंदियां का लग जाए वो तो बहुत सदा तलाश करना हो ना, तो फिर फैसला बात जाना पड़ता है। हाथ से किलोना भी लग जाए, 103 के बुखार भी हो जाए और सब हवा भी ने जब 5000 शहर भी खाक कर जाए, तो डॉक्टर कहते हैं उन बैठेगा तो मर जाएगा, हंसते कहते हैं बर्तन रखिए विदान के नाम को कटान वास्ते हो जाए फारूक आलम फरमाते हैं कभी पता लग जाए ना कि आजान देने की फजीलत
लेकिन इसकी आजान वास्ते बंदा तलाश करो मिलता नहीं। तो असि अपने बच्चियों को हुजूर का गुलाम नहीं बनना चाहते। कलमा नबी का पढ़ते हैं तो पुत्र को असि यूरोप सेंड करना चाहते हैं। कलमा नबी का पढ़ते हैं तो साड़ी फैमिली ना अमेरिका सेटल होनी चाहिए और नादान अपनी फैमिली में ऐसा सारे कान खड़े हो गए। पता नहीं वो कितना बड़ा प्रोफेसर हो गए।
पीएचडी सकालर होगा, किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, वो कौन है? इतना ख्वाहिश पैदा हो गई। तो पूछ गया कि उनका नाम की है मिस्टर लोटन ने थोड़ी देर सोच के कहता मैं उनका नाम नहीं हूँ जिसे को मैं मुतासर है जिसने ना मैं मुतासर किया है मैं उनका नाम नहीं जानता। तो पूछ गया कि जब नाम नहीं जानते थे तो दस दिन ना मुतासर क्यों हो रहे हो? तो मिस्टर लोटन कहते हैं मैं जब गार्डन कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं ना शाम को जॉगिंग करके बस से नाल वाले पार्क में जाता था जो लिया तक बात किया जाता है लिया तक उन्होंने बोली लगी तो फिर इसका नाम पड़ेगा लिया तो पहले हम पार्क से तो कहते थे कि मैं पार्क की जॉगिंग पास से आता था एक दिन मैं पार्क के दरवाजे लाख को जाने के भिखारी को बैठा था उन्हें किशोर पकड़े दाढ़ी रखी तो मैंने मेरी समझ लिया ईसाई कहता है यसू मसीह के नाम के कुछ दे मैं अगे चला गया उठ के ना दौड़ेगा मेरे पीछे रस्ता रोक के कहता है बाबू यसु मसीह के नाम से कुछ दे अपने नबी ईसा अलैहि सलाम के नाम से कुछ दे मैं आगे चला गया उन्हें फिर मेरा रस्ता रोक दिया तीसरी बार कहता है यसु मसीह के नाम से कुछ दे मैं गुस्सा आ गया मैं देख लिया कि कोल पता सिक्कियां ना होए मैं किया तेरे को इतने सिक्के मौजूद ने फिर भी तू मेरे नबी का नाम लेके मेरे को पैसे लेना चाहता है अगर मैं आखा इस सिक्के मैं मोहम्मद के नाम से दे दे Yeah.
कहते हैं ना मैं मेरे बंद को पकड़ के व्हील चेयर तो नीचे गिराया, कहते हैं उन्हें मैंने थप्पड़ मारा, मैं हंस पे सीढ़ियां तो कसीट के बंद लेके आया, हर सीढ़ी से जब सत लगे किसी ना गिरा की मैं फिर हंसता था, गड्डी तक ले आके आया तो मैंने चुप के मैं गड्डी भी सुन लिया, मैं फिर भी हंसया तो मेरे मन में चल जाता पापा ने मैं तेन मारता पे तेन हंसता पे अलामा रजनी कहते हैं मैं हंस के आ गया पुत्र मैं पावन नहीं होया गल ये है तू भी किसी की नौकरी लिया कर रहा है मैं भी किसी की नौकरी करी हौसला करी आप कहते हैं फिर मेरे को कमली वाले ने कम लेना सीना फिर मैं कट
ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 70 ਕੋੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ 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 ਕਿ
अलामा रज़वी का और कलीम शायद बहुत सारे सुने हो मेरे मोबाइल में मौजूद थे, सोशल मीडिया थे, यूट्यूब थे, फेसबुक थे, और कई मौजूद थे, खुद बयान करते रहे। आप फरमाते हैं कि इससे नेमत वास्ते बयान कर रहे हैं कि मुमताज कादरी ने जब यार पीछे 27 गोलियां मारियां तो जेल बंद कर दिया गया। फरमाते हैं ऐसा नहीं ना होता, कम करना शुरू किया
حضرت مفتی احمد یار صاحب نعیمی گجرات کا رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی رحمتہ اللہ علیہ تعالی انتہا بلغت رکھتی ہے خطابت ناز کر رہی ہے اور خطابت ساری قرآن کی ہوتی ہے قرآن اتنا پڑھتے کہ میں نے آج تک کسی اور سنی کو اتنا قرآن پڑھتا نہیں دیکھا کمال قرآن کی تلاوت کر رہی ہے جب ختم نبوت کی تحریک چلی نا تو اس بندے نے 36 گولیاں دے شرے کی سینے سے ساڈے کول وہ ہی ہے نہیں کہ گلاں نہیں کر رہے وہ کہ آشا ہویا کہ گھر لے کے دیا ہوئے گھر کی ختم نبوت کانفرنس کر کے آ کے ہم کام کریں گے وہ ایک کام دیکھیں نا ہر کام ہوتا ہے کروڑ روپے کے بندہ سر بھی آ جائے کوئی نہ مطلب کا اپنا مقدرے جڑا مانگے وہ تو ملتا ہے
हजरत जिनाबी फरमाते ने मैं 5-7 मिनट ना दरूद पढ़ता रहा, अखा बंद रही। कहते ने किसी ने मैं सलाम किया, मैं हाथ खोली तो बुजुर्ग बैठे, मैं हाथ अगे किया, उन्होंने मेरे नाम सलाम लिया, हाथ पीछे किया तो मेरे हाथ में ना रियाला दत्ती दे गए। मैं समझिया कि मैं रो रहा सा, शायद उन्होंने सोचिया कोई भिखारी है, कोई हाजत मानते, तो मैं तो हजूर को मंगया, तो मैं पाका को लेना है। फरमाते ने मैं क्या बाबा जी, मैं भिखारी हूँ, तुम रखो अपने पैसे को, मैं वैसे रो रहा। कहते ने बाबा जी हसे, तो मेरी गर्दन पकड़ के ना अपने कलीम करके, तो कहते ने मुख्तार अहमद पुत्र रख लै हजूर नहीं कर ले, रख लै हजूर ने कर ले, मैं सो रहा सा। मैंने आका करीम ने खाब भी चाहते करवाया, रियाद को जन्ना भी जब मेरा एक गुलाम बैठा वो पैसे लोड़ने, तो उन्होंने जाकर पैसे दे दिया। मौला ने कहते हैं मेरी अखा में आंसू आ गए, मैं क्या बाबा जी शुक्रिया, तुम अपना नाम दसो ना पता दसो, मैं पाकिस्तान जाके तुम वापस भेज देंगा। तो बाबे का हंसता चेहरा सुरख हो गया गुस्से न, कहते ने मेरे को तू मंगे नहीं, मैं क्या जी मैं क्या नहीं मंगे। कहते ने पैसे पकड़ जा अपना काम कर, जिन्हें मेरे को मंगे भी उन्होंने मेरा उधार चलता रहा, उन्होंने मेरा हिसाब चलता रहा है, वो मैं फरमाते रहते हैं मैं देता रहता है। मैं किसी बाप से खुश हाँ, मेरा पैसा ही आपने कबूल किया हो रहा है, किसी बाप से खुश हाँ, यार मेरे पैसे ना अपना पैसा समझता है, तू पैसे पकड़ जा अपना काम कर। मौलाना कहते नहीं हो चले गए, मेरी
मांग जाती है डॉक्टर कैसा बड़ा करवा है, तो तू डॉक्टर बन। दूसरा बच्चा कहने लगा मैं इंजीनियर बनना, मेरे पापा की ख्वाहिश थी। एक बच्चा कहने लगा कि मैंने ना पायलट पढ़ना है। कोई कहने लगा कि मेरी मां कहती है तू जल्दी जल्दी पढ़ फिर तेरे पास बाहर भेज देना, तू उसे जाके कमाएगा फिर सामू जो बुलाएगा असा इतने जाके की करना है। बच्ची अपने अपने जो घर उन्होंने दसिया जाता से तुसा की करना है उसके हिसाब का तू दसते रहे दसते रहे। कहते रहे कि बच्चा खामोश बैठा सी तो मैं क्या बेटा तू कुछ नहीं दसता तू बड़े हो गए की बनेगा। तो कहते उन्हें जोड़ा जवाब दिता ना मैं फौरी तौर पर पैर थले किए मैं हैरान हो गया। बच्चा कह लगा सर मैं बड़े हो गए ना साहब ही बना मैं बड़े हो गए साहब ही बनागा। मैं क्या बेटा तू सब क्यों पढ़ना चाहता ये डॉक्टर बनना है ये पायलट बनना चाहता है इंजीनियर बनना चाहता है तू सब क्यों पढ़ना चाहता है। तो कहता सर मेरी मामा ना मैं रोज सुनाने को पहले किसी ना किसी सहाबी की बात सुनाती है पर मेरी माँ ने मैं सहाबियां इतना गलत सुनाया देना मैंने माँ ने दस दिया पुत्र सहाबी पढ़ने की कोशिश करी कि सहाबी हो गए ना फिर सर कितना बोलता है उस सदी की अकबर तो कहता है कि मौलवी साहब ने दसिया मिल के खुश होते
ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਫੌਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਗਾਵੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਫੌਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਨਖਾਹ ਭੈਣਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀ ਬਾਪ ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਲੇਟਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਗਈ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਸੀਰ ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਝ ਪਰ ਪੜ ਹੀ ਗਈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਰਨਾ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਛੋੜੋ ਮੇਰਾ ਖਾਬਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੌਕੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਬ ਵੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਗੀ ਏ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਸੈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੌਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਲ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਉਹ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਤਨੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪਿਆਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਦਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਤੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜਮਾਲ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਉਹ ਸੈਯਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਪੈਰ ਪਿਛੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਿਛੁੰਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਾਨਾ ਪਿਆ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਾ ਪਿਛੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜੀ ਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਹਿ ਪਏ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਰਦਸ਼ੇ ਨਸੀਬ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਨਬੀ ਜ਼ੌਕੇ ਫਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸੇ ਸਾਦਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਮ ਹੈ ਜੁਦਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਅਨਿਲ